एडिटिंग वाले पॉपकॉर्न खाते हैं। और इधर ये देखिए, और एक ब्लॉगर, और एक ब्लॉगर इधर है, और इधर रोहन एडिटर, एडिटर। रोहन मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, चल खड़ा हो जा। हाँ। तो अब ड्रोन शॉट अब हम लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? मैं बहुत अच्छा। आज गैंगटॉक में है और ये देखिए हम लोग अभी आगे का नजारा देखेंगे। मॉर्निंग गैंगटॉक, और ये देखिए गैंगटॉक का नजारा। हम लोग रात को 8 बजे गैंगटॉक पहुँचे थे। होटल मिलने में परेशानी हो रही थी, ऑनलाइन होटल बुकिंग में भी बहुत परेशानी हुई। तो गैंगटॉक से 2-4 किलोमीटर ही घुसते साथ ही एक होटल मिल गया, जो कि पड़ा हम लोगों को पर रूम 1000। और हम लोग लिए हैं 4 रूम और टोटल हम लोग एक छोटा बच्चा मिला के 13 आदमी हैं। गुड मॉर्निंग हो गई पसीना से। गैंगटॉक में बारिश शुरू हो चुकी है और ये दिसंबर का महीना में, आज है 29 तारीख, और ठंड में बारिश देखने को मिला। और ये देखिए पानी तो आ ही रहा है, गाड़ी धो रही है। तो हम लोग रुके हुए थे होटल सिमसार में, और ये दिन हो चुका है, और ये एक गाड़ी यहाँ पार्किंग के लिए जगह मिल गई, और मेरी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, और ये उधर बंगाल तरफ जाने के लिए, उधर बंगाल जाएगा, और इधर का रोड सीधे गैंगटॉक नॉर्थ सिक्किम नाथुला पास ले जाएगा। तो आज हम लोग इधर ही जाएंगे। फिर अभी हम लोग सामान पैकिंग करते हैं, उसके बाद निकल चलते हैं। और ये इन लोगों का भी गुड मॉर्निंग हो चुका है, ये लोग उठ चुके हैं और ब्रश अभी ला दिए हैं। अरे कैमरा हटने के बाद बाय। यहाँ दो, अरे गो गोरू डोमार लेक कहाँ सुतल है? गोरू डोमार लेक तो सुतल है। और ये नाथुला पास तो उठ गए हैं, रट लगाए हैं बस बस। और ये सभी अभी नवीन गाड़ी चला रहे हैं, और इधर आरुष अभी हम लोग नॉर्थ सिक्किम रोड में हैं, और बीच में ही कोई जगह है, वहाँ हम लोग कार एंड रेस्टोरेंट, लेकिन वो बंद है, तो हम लोग और थोड़ी दूर आगे चलते हैं, देखते हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। आगे वाटरफॉल्स हैं, वाटरफॉल है तो वहीं पर कुछ मिल जाएगा, और वहीं देखते हैं हम लोग मिलता है कि नहीं मिलता है। पहले खा लेंगे, उसके बाद आगे का ब्लॉगिंग चालू करेंगे। भूखे पेट तो ब्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा है। हम लोग इधर जाना है नॉर्थ सिक्किम की तरफ। हमारे साथ गुड्डू भी अब बोलू ब्लॉगिंग चालू कर दिए हैं। हाँ, इसका कोई भी चैनल नहीं है, लेकिन कभी भी अगर इसका चैनल खुल जाएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इधर का सीन कुछ ऐसा है, देखिए कितना मस्त नजारा है। हम लोग बादल में घुस गए, पार्किंग का बहुत ही लोचा है, ऐसे थोड़ा सा कुछ जगह मिल जाता है। लोकल गाना गा रहे थे। और उधर एक गाड़ी है, और ये एक गाड़ी। बैठो 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 बैठो। फाइनली एक जगह होटल मिल गया है, और वहाँ पूछने पर बताया गया कि यहाँ नाश्ता मिल जाएगा, तो हम लोग अभी वहाँ रुके हुए हैं। और ये हम लोग यहाँ नाश्ता के लिए, यहाँ पार्किंग के लिए भी जगह था, तो ये अच्छा जगह है, पार्किंग के लिए जगह था, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए। क्या क्या है?
इसको कैसे बोलूं? तो ये है ग्यूर्मिक, ग्यूर्मिक फास्ट फूड। यहाँ आइएगा तो जरूर खाइएगा। देखो चलो ब्लॉगिंग चालू करो, यहाँ क्या क्या मिलता है लो पकड़ो। ये क्या ये क्या है? आलू चूरा, आलू चूरा है ये। और ये और मोमो, और ये भी मोमो, चिकन मोमो, और ये कौन वेज मोमो, और ब्लैक टी, ब्लैक टी, मिल्क टी, कॉफी, मैगी और बॉयल एग। यहाँ खाने आइएगा, यहाँ खाने आइएगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं। तो इधर अंडा बॉईल हो रहा है, ये देखिए इधर अंडा, बहुत सारे अंडे। तो कभी भी इधर आइएगा तो अंडा जरूर खाना ना भूलिएगा। से पीड़ित है हाय बोलो और गोरखा रेज, हे गोरखा रेज, गोरखा रेजिमेंट हाय, गुड मॉर्निंग। तो इधर का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग आए इधर से गैंगटॉक तरफ से, इधर गैंगटॉक। तो इधर का सीन कुछ ऐसा है, अरे ये होटल है, नाश्ता वास्ता मिल जाएगा। और इधर ये पहाड़ है, ये ऊंचा पहाड़, बादल खुल गया, हम लोग बादलों में घूम। ठंडे मौसम में भी हम लोगों को ये देखिए गर्मा गर्म मैगी मिल गया है, और अंडा भी मिल गया है, और इधर डिप लेस खाते हुए, और ये लोग क्या कर रहे हैं आइए देखते हैं क्या कर रहा है लोग। रे झंडू लाल लोग थोड़ा दिखा दो तो क्या चीज है। ए गुड्डू दिखा दो तो, उधर दिखा ना क्या है इधर। ट्रिपल एक्स राम, ट्रिपल एक्स राम, ये लोग नहीं सुधरेगा। तो ये देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं नॉर्थ सिक्किम, लेकिन अभी बताया गया कि नॉर्थ सिक्किम उधर संगतम नहीं, मांगतान की क्या एक जगह है, गोरुडुमार, गोरुडोंगमार या ऐसा कुछ नाम होगा। तो उधर बहुत बर्फबारी हुआ है, तो अभी 2-3 दिन बंद है, तो हम लोग अभी उधर नहीं जा रहे हैं, और यहीं से हम लोग रिटर्न होंगे। रिटर्न होंगे तो फिर यहीं से, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक वाटरफॉल है, तो वहीं हम लोग जाते हैं। वाटरफॉल का रास्ता किधर है? इधर है, तो वाटरफॉल का रास्ता इधर है, इधर है, इधर है वाटरफॉल का रास्ता, ये है। तो वाटरफॉल का रास्ता इधर, तो थर्टी। तो ये वाटरफॉल है, इधर हम लोग जा रहे हैं अभी। इधर जो स्ट्रिंग था उसका जो प्रिंट रेट है MRP है 20 रुपया, लेकिन यहाँ टूरिस्ट प्लेस है इसलिए लोग 30 रुपीज। देखिए एक जोश में आ गया है, और ये इधर वाटरफॉल में फोटो क्लिक कराने के लिए गए हैं। तो इधर का सीन ये ऐसा है, तो अभी नीचे से दिखा रहे हैं ये वाटरफॉल। अरे इधर नवीन बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, अरे पौध मार रहे हैं, लगता है ये हड़िया मार लिया है। गोरुडोंग मार ले जाने के लिए हैं, लेकिन उधर बंद है, और परमिट भी हम लोग का नहीं बना है, इसलिए हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो हम लोग और थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं, और सबको अपना अपना ब्लॉगिंग और सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। माधव अपना सेल्फी ले रहा है, और दीप भी अपना सेल्फी ले लिया, और इधर ये देखिए और एक ब्लॉगर, इधर हैं।
और इधर रोहन एडिटर, एडिटर। रोहन मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? चल खड़ा हो जा। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. We'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside. Don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, sure. So, hum log ja rahe the Guru Domar Lake, North Sikkim. लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वहाँ का परमिट बंद कर दिया और हम लोग परमिट भी नहीं बनाए थे, तो हम लोगों को उधर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये वाटरफॉल है जो लगभग गुरु डोंगमार लेक से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, वहीं से हम लोग को वापस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो वाटरफॉल है, तो हम लोग यहीं से हम लोग वापस लौटेंगे। और ये देखिए यहाँ का सीन, पीछे का सीन ऐसा है, ये वाटरफॉल है। तो यहीं से हम लोग वापस लौटेंगे। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सीन है, और देखिए पीछे है इधर, और बारिश तो हो ही रहा है, और बर्फबारी होने के कारण इधर भी बहुत बारिश है। जैसे हम लोगों की तरफ बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में तूफान आता है, तो हम लोग का झारखंड में भी बारिश होता है। उसी तरह यहाँ से 150 किलोमीटर दूर में बर्फबारी हो रहा है, तो इसलिए इधर भी भारी बारिश कभी से हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से अब रिटर्न होंगे, और इधर देखिए नवीन पूरा प्रकृति का मजा लेते हुए, प्रकृति का फोटो क्लिक कराते हुए गुलशन किनारे बाग रेडी हैं। तो लोग फोटो खींचो ना, हर एंगल से खींचो। हो गया ना? और बारिश हो रहा है इसलिए कैमरा को बंद करते हैं, मेरा मोबाइल को, मोबाइल से ही हम ब्लॉगिंग करते हैं। और ये लोग अपन, इन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इसलिए ये लोग स्ट्रिंग मार रहे हैं, दबा रहे हैं, ताकि एनर्जी ड्रिंक, इन लोगों का एनर्जी कम हो गया है। मज़ा आ रहा है ना? चलो जैकेट वगैरह भींग रहे, नहीं तो फिर दूसरा खरीदना पड़ेगा। हाँ ठीक है।